इंडिया आए भी 1 वीक हो गया है और अब मैं जा रही हूँ अपने मायके। मेरे मायके वाले सब पुणे में हैं तो मैं वहाँ जाके उन लोग को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। एक्चुअली उन लोग को पता नहीं है कि मैं आ गई हूँ। अब मैं देखती हूँ उन लोग का क्या रिएक्शन है, तो मैं आप लोग से भी शेयर करूँगी कि देखते हैं कि उन लोग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी मैं ट्रैवल करने वाली हूँ कलकत्ता से पुणे के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और मैं आपको जल्दी अपनी फैमिली से मिलवाने वाली हूँ। अभी 4:15 हुआ है और मेरी फ़्लाइट 6 AM से है, तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगी फ़्लाइट के लिए, फिर इंशाल्लाह रवाना होंगे पुणे के लिए। अब हम जा रहे हैं बैठने फ्लाइट में। 6 बजे से है कलकत्ता से और 11 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे पुणे। ले ओवर है बैंगलोर में 50 मिनट का। तो अब मैं पहुंच चुकी हूं पुणे और आप लोग को लेके चलती हूं मेरी फैमिली के पास। तो मैं पुणे पहुंच चुकी हूं और अब मैं जा रही हूं उन लोग के पास। और मैं फ़र्स्ट टाइम पुणे आई हूं। एक्चुअली मेरी सिस्टर काफ़ी टाइम से पुणे में है पर मेरा कभी हो नहीं पाया आना, और अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि सब लोग यहीं पे थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अच्छा है, सब लोग से भी मिल लूँगी और पुणे भी घूम लूँगी, फिर आप लोग को भी घुमाऊँगी पुणे। देखिएगा मेरे साथ मेरे आगे के व्लॉग में, मैं आपको दिखाने वाली हूँ पुणे का पूरा पूरा सफ़र आपसे शेयर करूँगी मैं। लेके कौन है? पापा नमस्ते कर रहे थे। पापा ने आने वाले थे। पापा ने ये तो मैंने जाने पे जाने का लग रहा है बहुत। हां जाने पे जाने का नहीं नहीं साल भाई को छुट्टी नहीं मिली। यकीन नहीं होता ना बहनों की बातों पे। अब आने वाले के लिए क्या? अब तो रुकना पड़ेगा। 20 तारीख
सरप्राइज था इनका ये। कैसा लगा बाबा सरप्राइज? कैसा लगा सरप्राइज दिया रात को? और ये भी छुपे बैठी, ये भी बैठे थे, और ये भी बता। तो गाइज़ कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अभी आप सबसे विदा लेना चाहेंगे, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।